तो भाई सौरभ भाई फुल्की नहीं प्यार खिला रहे हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमें पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं आशा करते हैं आप भी पूरी तरह से स्वस्थ हो मस्त होंगे। तो गाइस लिटरली आज शिल्प मेले में बहुत ज्यादा भीड़ है, हालांकि गाइस आज 11वां दिन है। हम लोग इसलिए आ गए थे कि गाइस एक दिन पहले चलेंगे तो आप लोगों को शायद जो भाई लोग नहीं आ पाए उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 12 तारीख को ही इसका एंड है। तो गाइस जो लोग न आए हों आए और अपने जो अदर स्टेट से आए भाई लोग उनका सपोर्ट करें, यहाँ से कुछ शॉपिंग करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। मौज खूब ले रहे हैं। नाम बता दीजिए आप लोग कम से कम। लक्ष्य कहाँ पढ़ते हैं आप? कहाँ? YMCA। कौन? पूरा नाम बताइए। YMCA। तो गाइस आज है 11 तारीख यानी कि दिसंबर का 11वां दिन और जो शिल्प मेला है ये पूरे 1 से 12 दिसंबर तक था। तो आज 11वें दिन हम आ गए हैं दोबारा से यहाँ पे। यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या चले, मैं फर्स्ट डे भी आया था, बीच में आया था, साथ ही साथ गाइस आज 11वें दिन भी आ गए हैं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और कल अंतिम दिन आकर के भाई लोगों का सपोर्ट कर सकें जो कि यहाँ पे आए हुए अदर स्टेट से। तो गाइस यहाँ पे हम घूम रहे थे, मिल गए हमें प्रिंस भाई, मिल गए रोहित भाई, मिल गए। तो भाइयों से पूछते हैं यहाँ करीबी और क्या क्या देखा और क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या समझा, बताइए भाई थोड़ा सा। यहाँ पे हमने पहले बात तो सुना, हम लोग वैसे MP के रहने वाले हैं और यहाँ पर रूम लेके रहते हैं और यहाँ पे आए तो न्यूज मिली कि यहाँ पे सिर्फ मेला लगा हुआ है किसी भी डेट में, तो आए तो बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा हुआ है, काफी मेला काफी सुंदर है, काफी डेस्टिनी वगैरह भी यहाँ पे है, हेरिटेज स्टोरीज यहाँ पे काफी आपको देखने को मिल जाएंगी और राजस्थानी डांस भी बहुत अच्छा है यहाँ का। ओके थैंक यू। और ये बताइए कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ के अदर स्टेट की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभावित कर पा रही है कि नहीं, केवल संस्कृति से ही जोड़ रही है या फिर अर्थव्यवस्था को ही बढ़ावा दे रही है? नहीं, ये तो सिर्फ इकोनॉमिकल इंक्रीज हो रहा है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। और संस्कृति का मेल जोल खाने पीने के बारे में कुछ बताइए, क्या खाया आपने, क्या कैसा लगा? UP ट्रेडिशन से तो नहीं, गुजराती है एंड राजस्थानी ट्रेडिशन से यहाँ का मेला जो सिल्क मेला है वो ज्यादा मिलता है। अच्छा, आपने महाराष्ट्रियन खाया कि नहीं? जी नहीं, अभी तो आई डोंट चेक इट। अभी 10 मिनट हुए। अच्छा 10 मिनट हुए। हाँ। अभी आप लोग रहेंगे? जी, तो गाइस भाइयों करते हैं शुक्रिया और दिल से धन्यवाद, भाइयों ने सपोर्ट किया उसके लिए फिर से एक बार दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो गाइस भाइयों ने कहा कि यहाँ पे राजस्थान के कल्चरल प्रोग्राम वगैरह चलते रहते हैं, तो गाइस मैं इसको छोड़ करके आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। भाई ने मौज कर दी। तो हालांकि ये राजस्थानी नगाड़े, राजस्थान के है ना भैया, राजस्थान। हम आ गए थे फर्स्ट डे, आज चल के मैडम से रिव्यू भी लेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है और उनकी सेलिंग वगैरह की क्या कंडीशन है। हालांकि गाइस ये उनका पर्सनल मैटर है, आर्थिक मैटर है, लेकिन फिर भी आज उनसे हम मिलेंगे और पूछेंगे भी कैसा रहा इस बार। ठीक रहा? इधर सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह चल रहा है, हालांकि आज आयोजित होने वाला है सुल्ताना डाकू वाला कार्यक्रम, तो गाइस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन अभी स्टार्ट हो जाएगा शाम तक। Thank you.
छोटे क्या हाल खाल। तो गाइस आप और राजस्थान से मिल गए हैं लोकेश मीणा भाई साहब, इस बार जानने का प्रयास करते हैं कि आपका इस बार क्या खरीद मतलब कि शॉपिंग वगैरह का क्या चल रहा है, यहाँ पे बिजनेस कैसा रहा? बहुत अच्छा, अच्छा चल रहा है। पब्लिक वगैरह का क्या कंडीशन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। आमदनी वगैरह सब सही चल रहा है इस बार? तो इस बार सेटिस्फाइड है आप यहाँ से? नेक्स्ट टाइम का क्या पोजीशन रहेगा? बहुत अच्छा, आएंगे जरूर आएंगे। चलिए भाई वेलकम है आपका। ये कचौरी जलेबी ये सब है ना, बहुत अच्छी बता रहे लोग, बहुत अच्छा इस बार अच्छा बनाए भी आप लोग। अच्छा मैं तो आया था आपका वो जो मेवा वाली कचौड़ी नहीं होती मीठी वाली, उसको खा के गया था पिछली बार, अभी दो दिन पहले। कैसी लगी? अब बहुत बढ़िया थी। या भाई क्या हाल? तो गाइस कोविड के बाद से जब यहाँ पे मैं आया तो आज लिटरली बहुत ज्यादा भीड़ है, और यहाँ के वेंडर से मैंने बात किया तो वो भी बहुत ही संतुष्ट हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो गाइस अभी हम ऑडियंस में घूम रहे तो भैया मिल गए सौरभ भाई साहब, तो इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या अप्रोच है इन सब लोगों का। नहीं काफी दिनों बाद, लगभग 2-3 साल बाद हम लोग इतने अच्छे माहौल देख रहे हैं, वरना 2 साल से तो लगभग पब्लिक दिखती नहीं थी। इस बार इस मौसम में जहाँ सर्दियों का स्टार्टिंग हुआ है, 3 साल बाद इतनी अच्छी भीड़ दिख रही है और काफी मजा आ रहा है। तो गाइस भाई भी वेलकम करें, मैं भी देसी इंडियन एमके आपको वेलकम करता हूँ कि एक दिन बाकी है, बिल्कुल मत मिस कीजिए, बिल्कुल आइए यहाँ पे विजिट कीजिए, भाइयों का उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देते तो यार मजा ही आ जाता। भैया दो चाय कितना दें? 60 रुपए सर। लीजिए 60 रुपए काट लीजिए, दो चाय पिला दीजिए। ये चाय है भैया? ओहो क्या बात। तो गाइस मेले में जब भी आते हैं कुछ न कुछ खास जरूर मिलता है, हालांकि यहाँ पे हमें आज देखने को मिला पलवल हरियाणा का शाही जो नगाड़ा है। तो भाई लोग यहाँ पे आए हैं डांस वगैरह का प्रोग्राम किए। तो भाई ये लोग स्टार्टिंग के 6 दिन तक यहाँ पे नहीं थे, इन्होंने कहना था कि मैं 8 तारीख को आया हूँ, तो जो मेला लगा हुआ 1 दिसंबर को लगा था, यानी भाई लोग आए 8 तारीख से। तो भाई इनका भी एंजॉय कीजिए, मैं आपको इनका एक वर्ल्यू देता हूँ, आप कब से अभी करता हूँ बस इतना बता दो कि यहाँ आके कैसा लगा? क्या क्या खाया आपने? कुछ नहीं खाया लेकिन खा के जरूर जाइएगा, जलेबी जरूर खाइएगा। किस स्टॉल से हैं सर? मैं चाट वाले। चाट वाले क्या इस बार रिस्पांस रहा? अच्छा, 2 साल के बाद लगा है ना, कैसा रहा? अच्छा रहा सर। थैंक यू। मैडम मेले में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार 2 साल के बाद लगा है, क्या फील हो रहा है? बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत एंजॉय किया जी। इस बार जिससे मिल रहे सभी कह रहे हैं बहुत एंजॉय किया। हाँ। अच्छा कुछ है वास्तव में? हाँ। कूपन ले लो सर, सामने से कूपन। तो भाई सौरभ भाई फुल्की नहीं प्यार खिला रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। ओके थैंक यू।
तो जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है, मेले में उत्साह और भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी उत्साह के साथ करते हैं वीडियो के समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा।